हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्म में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो इस वीडियो में जानेंगे कि नाम है या नहीं है, या नाम आपका काट दिया गया है, हटा दिया गया है। और अगर दोस्तों आपका नाम है तो आप कितने बार जो है पीएम किसान निधि योजना से लाभ उठा लिए हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सरकार के तरफ से बहुत सारे लोगों का जो है नाम हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है मतलब कि ऐसे ही भर दिए थे फॉर्म, वो भी लाभ उठा रहे थे। तो भी जानना है कि क्या मेरा अभी तक नाम है या नहीं है, क्या हम उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि हम कितने बार जो है पेमेंट उठा चुके हैं और कौन कौन किस्त कब मिला है मुझे और अगला किस्त कब मिलने वाला है, सारा कुछ आपको जो है बस एक क्लिक करने पर ही पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको सब कुछ बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है आपको क्रोम ब्राउज़र में जो कि आपके मोबाइल में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम जा रहे हैं इसमें क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली से आपको टाइप करना है पीएम किसान जीओवी डॉट इन। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर ही फर्स्ट ऑप्शन में आता है पीएम किसान। तो यहाँ पर आपको करना है सिंपली से क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस सामने आएगा, खुल जाएगा। और यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसको हिंदी में भी कर सकते हैं यहाँ से, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज में दिया है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सारा चीज़ में। तो चलिए हम इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं। तो अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, और यहाँ से आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर जाना है और इसको डेस्कटॉप साइट में करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, तो इस पर जाकर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, न्यू जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडिट आधार कर सकते हैं, सारा कुछ बेनिफिशियरी का स्टेटस देख सकते हैं और बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं आपकी। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा उसमें नाम है या नहीं है। तो पहले बेनिफिशियरी लिस्ट देखते हैं, उसके बाद जो है बेनिफिशियरी स्टेटस देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा पेमेंट कब आया और कब मिलने वाला है फिर दोबारा पेमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं बेनिफिशियरी लिस्ट। तो चलिए बेनिफिशियरी लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने को आएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। तो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। तो चलिए हम सारा कुछ अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सारा कुछ अपना फिलअप कर लिए हैं, आपको भी जो है सही सही यहाँ पर फिलअप करना रहता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गेट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नाम आ जाते हैं आपको, इस आपको जो है ढूंढना है कि कौन सा मेरा नाम है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मेरा नाम है या नहीं है, या यहाँ से कट गया है नाम, सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। ये उन लोगों का केवल नाम रहेगा जो इसका लाभ उठा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बहुत सारे पेज दिए हुए हैं, पांच पेज दिए हुए हैं। तो पांच पेज में से अगर आपका नाम है तो समझिए कि आप उसका लाभ उठा रहे हैं, आपका नाम वहाँ से नहीं हटा हुआ है। तो इसी तरीके से आप आसानी से जान सकेंगे कि मेरा नाम अभी तक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कि नहीं है। तो ये सिंपल सी दोस्तों स्टेप है, इसको आप फॉलो करके आप आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, अगर आप पीएम किसान जो है सम्मान निधि योजना का अगर आप फ़ायदा उठाते हैं यानी कि लाभ उठाते हैं तो आपको कौन सा पेमेंट कब कब मिला है उसके जानकारी के लिए आपको, चलिए यहाँ से पहले बैक जाते हैं। और बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पर आपको क्लिक करके दिखाते हैं। तो यहाँ सिंपली से दोस्तों यहाँ पर तीन तरह के तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, फर्स्ट है आधार कार्ड, दूसरा है अकाउंट नंबर, तीसरा है मोबाइल नंबर। तो चलिए हम यहाँ पर आप किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं, वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आप जिस समय फॉर्म भरे होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है आपको। तो यहाँ चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल कर और सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, ये मोबाइल नंबर अपना जो है ब्लर करके रखे हैं ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो यहाँ पर आपको जो है गेट डाटा का ऑप्शन मिलता है, तो उस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि कौन सा पेमेंट आप किस महीने में लिए हैं और थर्ड पेमेंट,
फोर्थ पेमेंट, फाइव पेमेंट, या आप कितने पेमेंट जो है सरकार की तरफ से ले लिए हैं, और आपका जो है अगला पेमेंट कब जो है रिलीज होगा, वगैरह कुछ आपको जो है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम ब्लर करके रखे हैं ताकि जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।